फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के स्टूडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए वाव का शैम्पू। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाव का शैम्पू है। ये है एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू एंड यहाँ पे लिखा हुआ है जेंटल एंड नेचुरल। ये बहुत ज़्यादा जेंटल है, ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है। तो ये पूरा जो शैम्पू है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से इसे बनाया गया है। तो एप्पल साइडर विनेगर हमारे स्किन के साथ साथ हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है डिटॉक्स फॉर्मूला फॉर द स्ट्रेस एंड ट्रेसेस। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं है, जैसे कि इसमें नो पैराबिन, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन, नो सॉल्ट। तो यहाँ पे कोई भी हार्मफुल केमिकल्स इसमें ऐड नहीं किया गया है, इसमें बस नेचुरल केमिकल्स से इसे बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी शैम्पू यूज़ करते हैं तो हमें उसका इंग्रेडिएंट ज़रूर देखना चाहिए और उसमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसमें पैराबिन ना हो, सल्फेट ना हो, सिलिकॉन ना हो, सॉल्ट ना हो, क्योंकि ये सब हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ये केमिकल्स हमारे कोई भी शैम्पू में नहीं होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा है, नेचुरल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेड विथ 100% नेचुरल एंड रो हिमालय एप्पल साइडर विनेगर। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, ये 100% नेचुरल है। जैसे कि आप देख रहे हैं, शैम्पू का थोड़ा सा कलर यहाँ वहाँ से निकल गया है। जब मैं इसे यूज़ कर रही थी, पानी लगने के कारण इसका कलर थोड़ा सा उड़ गया है। सो कोई नहीं, मैंने इसे यूज़ किया है एंड मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि ये शैम्पू लगाने के बाद मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शैम्पू के बारे में जान लेते हैं। ये अराउंड 130 ml का है एंड इसे मैंने परचेस किया था 499 rupees में अमेज़ॉन से। तो आप इसे कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप इसे मंगा सकते हैं। चलिए तो हम इस शैम्पू के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके यूज़ेस क्या, इसे लगाने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये शैम्पू हार्मफुल केमिकल से फ्री है। ये शैम्पू नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है एंड इसके अंदर ACV, जैसे आप देख रहे हैं, एप्पल साइडर विनेगर है एंड इसके अंदर स्वीट आलमंड है, आर्गन ऑयल है। तो ये सारी चीज़ें आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको हेयर फॉल की शिकायत होती है, आपका ये हेयर फॉल कंट्रोल करेगा एंड अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया तो आपके डैंड्रफ ये क्लियर करेगा। इवन आपके रूट्स को ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर आपके रूट्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपके हेयर फॉल की शिकायत नहीं होगी एंड ये आपके स्कैल्प को भी क्लियर करेगा। एंड फ्रेंड्स, ये शैम्पू आपके बालों को नेचुरली स्मूथ और शाइनी बनाएगा। अगर आपके बाल ड्राई, फ्रीजी और डैमेज है तो ये शैम्पू के साथ साथ आपको कंडीशनर भी यूज़ करना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स, शैम्पू के बारे में एक चीज़ मैं और आपको बताऊँगी, जो कि है इसका कैप। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, कैप आप अगर ऐसे दबाएंगे तो इसका शैम्पू निकल आएगा, ठीक है। अगर आप इसी को रोटेट कर देंगे ऐसे, जैसे आप देख रहे हैं, शैम्पू बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो इसमें एक खास बात है कि आप इसे रोटेट करके क्लोज कर सकते हैं, इवन आप इसे रोटेट करके इसे ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसके अंदर। चलिए तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस शैम्पू के बारे में पूरे डिटेल में बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा इसे यूज़ करने के बाद। फ्रेंड्स, ये शैम्पू लेने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की शिकायत थी, मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया था। तो मैं कोई ऐसा शैम्पू सर्च कर रही थी जो मेरे हेयर फॉल को कंट्रोल करे, इवन मेरे डैंड्रफ को क्लियर करे। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इसके बारे में मैंने रिव्यू देखा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा शैम्पू है। तो मैंने इसे ऑनलाइन परचेस किया एंड मैंने इसे मंगा लिया। एंड फ्रेंड्स, इसे मैंने अराउंड 1 month इसे मैंने यूज़ किया। तो मेरे मैं सच बोलूँ तो मेरे हेयर फॉल जो थे वो बिल्कुल भी नहीं रुके। मेरा कंटिन्यूसली हेयर फॉल तो होता ही गया। 1 month बाद भी मेरा मुझे ऐसा कुछ भी इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आया कि हाँ, मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हो गया। हाँ, एक चीज़ है कि इसे लगाने के बाद मेरे बाल काफ़ी सॉफ्ट हो गए, स्मूथ हो गए, पर मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरे हेयर फॉल तो इसे कंट्रोल भी नहीं हुए, इवन मेरे डैंड्रफ भी कंट्रोल नहीं हुए। तो मेरे तरफ से तो मैं इसे दोबारा कभी यूज़ नहीं करूँगी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन कि आपका स्कैल्प कैसा है। मेरा स्कैल्प ऑयली है तो ये मुझे इतना अच्छा सूट नहीं किया। तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिए इसे यूज़ करने के बाद आपको ये सूट करता है कि नहीं करता है, पर मैं इसे दोबारा अभी यूज़ नहीं करूँ। फ्रेंड्स, आपको ये मेरा ऑनेस्टली रिव्यू कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।